श्री राम 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 जय श्री राम। रामावतार के समय एक बार देखा तो था इन्हें, वही वानर आकृति है, शरीर से कैसा तेज निकल रहा है। जय श्री राम। आश्चर्य है, इतना समय बीत जाने पर भी यह प्रतीत होता है जैसे अभी यौवन में प्रवेश किया हो। जय श्री राम। हे वानर श्रेष्ठ, मैं विनिता पुत्र गरुड़ हूं, लोक प्रकाशक भगवान सूर्य के सारथी अरुण मेरे अग्रज हैं। श्री राम क्षमा करें, पक्षीराज। हे वैंदे, आपको कोई क्षति तो नहीं पहुंची? मैं जगतपति का भार उठाता हूं, मुझे क्षति पहुंचा सके ऐसी कोई शक्ति संसार में नहीं है। निसंदेह आपकी शक्ति से कौन परिचित नहीं है, आप भगवान के प्रिय भक्तों में से हैं, आप पर उनकी विशेष कृपा रहती है। आज आपके पुनः दर्शन करके हृदय शीतल हो गया। आइए कुछ देर राम नाम का संकीर्तन करते हैं। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम श्री राम राम। यह संकीर्तन करने का समय नहीं है। राम श्री राम। भगवान श्री कृष्ण ने आपको तत्काल ले आने का आदेश दिया है। किसने आदेश दिया है? द्वारकाधीश यदुकुल भूषण हमारे स्वामी श्री कृष्ण ने। मुझे उनसे क्या काम? क्या काम? वे परात्पर ब्रह्म गोलोक के स्वामी श्री कृष्ण हैं। क्षमा करें, मैं तो अपने प्रभु श्री राम का दास हूं, उनके अतिरिक्त मैं किसी और को नहीं जानता। हे वानर, चिरंजीवी आप अवश्य हो गए हैं, किंतु आप निरे वानर ही रहे। देखिए, स्वेच्छा से चलिए, अन्यथा 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 आपको बांध कर ले जाने के लिए मेरे पास पाश भी हैं। बोलिए, चलेंगे कि नहीं? होइए सोही जो राम रची राखा। बहुत हो गया, लगता है अब गरुड़ पाश का प्रयोग करना ही होगा।
जय श्री राम। उन्होंने आने से मना कर दिया। नाथ, आप तो उनके गुण गाते नहीं थक रहे थे, किंतु आपके भक्त शिरोमणि तो बड़े ही अहंकारी सिद्ध हुए। भूल मेरी ही है। आप हनुमान से जाकर कहिए कि श्री राम उनका स्मरण कर रहे हैं। स्वामी, स्वामी वे बड़े ही उद्दंड हैं। निश्चिंत रहे पक्षीराज, राम का नाम सुनकर वे दौड़े चले आएंगे, और यदि ना भी आए तो इस बार आप उन्हें बल पूर्वक ले आइएगा। ऐसे भी आपके बल और गति के आगे कोई क्या ठहरेगा पक्षीराज। श्री राम, श्री राम, श्री राम। हे कपीवर, प्रभु श्री राम द्वारका में आपका स्मरण कर रहे हैं। आप धन्य हैं पक्षीराज, मेरे प्रभु श्री राम का संदेश लाने वाले। हे विंते, आप सदैव प्रभु के प्रिय बने रहें। जय श्री राम। भूकंप आ रहा है, सभा टोल क्यों रही थी प्रभु, किंतु प्रभु और रुक्मणी दीदी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। प्राणवल्लभ, कहीं आपने असमय प्रलय लीला तो नहीं आरंभ कर दी? नहीं प्रियतमा, ना तो भूकंप आ रहा है और ना ही प्रलय। तो फिर भक्त शिरोमणि आंजनेय हनुमान आ रहे हैं।
खैर ये आगे प्रवेश वर्जित है। प्रणाम करता हूं अष्ट शिरोमणि, मैं केसरी पुत्र हनुमान हूं, रघुकुल तिलक प्रभु श्री राम का एक तुच्छ दास हूं। आप कोई भी हो, यहां किस प्रयोजन से आए हैं? मुझे मेरे स्वामी ने बुलाया है। तो यहां क्यों आए हो? क्या जानते नहीं ये यदुकुल पालक श्री कृष्ण का राज प्रसाद है? होगा, मेरे प्रभु ने यही आदेश दिया है। व्यर्थ की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है, चलिए जाइए यहां से। स्वामी की आज्ञा का पालन किए बिना भक्त की कहां गति। मुझे भीतर जाना ही होगा। मुझसे हट, अब देखिए मेरा उग्र रूप। होइए सोही जो राम रची राखा। बलि हनुमान के लिए अब मुझे राम रूप धारण करना होगा। Oh,
राम श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री 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 राम माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नर्निन्यं जाने नैव जाने न जाने लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नाथ, मैं निरंतर आपकी वंदना करता हूं, आपके चरणों का ध्यान करता हूं, पर आज आपके साक्षात शुद्ध चरण कमल से, तुलसी की सुगंध से दास का हृदय तृप्त हो गया। प्रभु, इतने वर्षों पश्चात तुम्हें देखकर मेरा हृदय भी गदगद हो गया। प्रिय हनुमान, मेरे लिए क्या आदेश है प्रभु? वत्स हनुमान, मुझे यहां द्वारका में देखकर तुम्हारे चित्त में कोई जिज्ञासा तो नहीं उठ रही?
या कोई और भी बात यदि मन को व्यथित कर रही हो तो संकोच ना करो, पूछ लो। प्रभु, आप संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी हैं, आप तीनों लोक में हैं, तीनों कालों में हैं, सभी समय सभी स्थान पे उपस्थित रहते हैं। आपके कहीं भी होने में आश्चर्य कैसा। पर माता सीता कहीं दिखाई नहीं दे रही। और ये आपके समीप ये सेविका कौन है? माता सीता, पुत्र का प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारी रघुपति भक्ति निरंतर बढ़ती रहे। पर हमारे अस्त्र को आपने अपने मुख में स्थान दे दिया। ये मित्रता कब हुई प्रिय हनुमान? इनसे वाद विवाद करने में आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती प्रभु, इसलिए मैंने सोचा अपने मुख में ही स्थान दे दूं। अंजनी नंदन, मेरे समीप इतनी स्त्रियां देखकर भी तुम्हें विस्मय हो रहा होगा। हो तो रहा है प्रभु, कौन है ये माताएं?
तुम्हें स्मरण होगा कपिवर, त्रेता युग में अनुजों और सेना सहित मैंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी। तब से अब तक लाखों वर्षों से तुम निरंतर मेरे नाम का जाप कर रहे हो और कदाचित तुम्हें भी बोध है वत्स कि वर्तमान द्वापर युग में मैं श्री कृष्ण रूप में इस पृथ्वी पर फिर से अवतार ले चुका हूं। और कदाचित तुम्हें यह भी ज्ञात होगा कि इस अवतार में मैं 16,108 रानियों का स्वामी हूं। यहां उपस्थित ये सारी स्त्रियां मेरी विवाहिता हैं। तुम तो सदैव मेरे हृदय में वास करते हो प्रियवर, तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो, मैं समदर्शी हूं, सबके साथ समान भाव रखता हूं। केवल तुम जैसे भक्तों पर मेरी विशेष कृपा रहती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं हनुमान, मांगो वर मांगो। नाथ, यदि आप मुझसे सचमुच प्रसन्न हैं तो मेरे हृदय में सदैव बसने वाले सीतापति, धनुष बाणी प्रभु श्री राम के रूप में मुझे पूर्ण दर्शन दीजिए। प्रिय मुझे कोई नहीं हनुमान, मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा। देखो हनुमान, अगले कल्प में तुम्हें ब्रह्मा जी का दायित्व धारण करके
इस रिश्ते की रचना करनी होगी। करोगे ना? जैसी प्रभु की आज्ञा। सुनो मित्र सुदर्शन, अभी यहाँ पर परमवीर हनुमान आने वाले हैं, सावधान रहना, भूलकर भी उनसे लजना मत, नहीं तो श्रीराज वो तो आकर चले भी गए। आकर चले गए बल ही नहीं, गति में भी वो मुझसे बढ़कर हैं और मारक क्षमता में मुझसे भी बढ़कर। मित्र वैंते, मैं क्षमा चाहता हूं, आज मैंने व्यर्थ ही आपके आगे अहंकार किया। नहीं नहीं अस्तर शिरोमणि, भूल मेरी थी, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। मैं सब समझ गई ना। क्या समझ गई प्रिय? यही कि आपने ये सारी लीला मेरा गर्व भंग करने के लिए खेली। रानी सत्यभामा, आपके साथ अस्त्र शिरोमणि सुदर्शन का भी गर्व भंग हो गया है और पक्षीराज गरुड़ का भी। मुझे अपने रूप का अभिमान हो गया था स्वामी। मैं ये भी भूल बैठी कि आप कभी किसी पर आसक्त नहीं होते, मात्र लीला करते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए नाथ। जहां अहंकार होता है वहां प्रेम नहीं रहता। अहम के जाते ही भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता। भक्त स्वयं भगवत रूप हो जाता है। ये है प्रेम की शक्ति। जानती हो सबसे बड़ा प्रेमी कौन है? कौन नाथ? पवन पुत्र हनुमान।